जब आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया तब से लेकर अब तक क्या कुछ घटनाक्रम हुआ और आगे क्या कुछ होगा? अभी आज कोर्ट में आरोपी को हाजिर किया, उसके बाद उनको जुडिशियल कस्टडी ग्रांट हुई, जबकि पुलिस कस्टडी की दो दिन की हमारी मांग थी, बट ऑलरेडी उसको 7 दिन की कस्टडी दी गई थी, उसके बाद आज जुडिशियल कस्टडी ग्रांट हुई। उसके बाद उन्होंने 4 एप्लीकेशन मूव की थी, एक एप्लीकेशन थी होम फूड के लिए, एक एप्लीकेशन थी एडवोकेट और उनके फैमिली मेंबर को स्पेशल मुलाकात हुई, तीसरी एप्लीकेशन थी उनको एडवोकेट सिक्योरिटी चाहिए थी उनको जेल के अंदर, और चौथी एक एप्लीकेशन उन्होंने मूव की थी कि उनके हेयर को प्रिजर्व किया जाए जब तक जब वो जेल जाए तो वो काटे नहीं जाए, बिकॉज एज पर जेल मैनुअल और जेलर के रूल्स के हिसाब से जब भी कोई आरोपी जेल में हाजिर होता तो उसके बाल काटे जाते हैं। तो उन चारों की हियरिंग होते हुए आज कोर्ट ने चारों एप्लीकेशन पर निर्णय देते हुए ये दिया है कि 2 एप्लीकेशन जो है उनके ऊपर 2 तारीख को सुनवाई रखी है, एक तो उनकी बालों की एप्लीकेशन के लिए और जो उन्होंने होम फूड और ये सब जो मांगा है उसमें जेल मैनुअल के हिसाब से जेलर का सेम मांगा है, और एडवोकेट सिक्योरिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक उसे आरोपी को जेल में जाने के बाद जो सिक्योरिटी चाहिए अभी एक भिन्न प्रकार की एक एप्लीकेशन आज फाइल हुई है जो, और तीसरी और चौथी जो एप्लीकेशन है उनके ऊपर जेलर मैनुअल के हिसाब से जो भी ऑर्डर जेलर देगा उसके जेलर के हिसाब से जो जेल रूल है उस हिसाब से मैनुअल के हिसाब से ऑर्डर पास हुए। जेल में क्या पिटाई का डर है? आखिर जेल में रहते हुए सिक्योरिटी की मांग करना कितना वाजिब है? ये तो उसका लॉयर और वो खुद बता सकता है उसको किस बात का डर है, क्योंकि मेरे हिसाब से जेल के अंदर एक जेलर के अलावा कम से कम 200-250 पुलिस ऑफिसर रहेंगे, उससे सिक्योरिटी मेरे हिसाब से उसकी हो ही नहीं सकती, तो उसको एक स्टेट सिक्योरिटी के दी गई है, जेड प्लस से बड़ी सिक्योरिटी है मेरे हिसाब से, तो ये जेल में उसको जितना दिन हो सके रह सकता है। नहीं, इस पूरे मामले को आप लोग मतलब जिहाद से जो कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं जेल पर, सवाल ये है कि क्या इस बात का डर है कि जेल में जो है उसकी पिटाई हो सकती है? मेरे हिसाब से अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग से लेके सब कुछ हाजिर करेंगे तो पहला दिन था जब इनके वकील ने बाहर आके कहा था कि हमको डर है कि हमारा आफ्ताब और शरदा जैसा हाल ना हो इसलिए हमने ब्रेकअप किया, ये उनका आर्ग्यूमेंट था कोर्ट के अंदर, तो लव जिहाद का एंगल हमने नहीं दिया, उन्होंने शुरुआत की है, उसके बाद मीडिया ने बोला। मेरे हिसाब से तो वकील उनके जो वकील है उन्होंने शुरुआत की थी, क्योंकि उनको ही दिमाग में लव जिहाद था, हमारे दिमाग में तो जरा भी लव जिहाद था ही नहीं। शीजान बता रहा है कि वो अपना पासवर्ड जो है गूगल वगैरह का भूल गया। हाँ, आज की रिमांड में ये सबसे बड़ी बात थी कि पुलिस ने भी ऐसा बोला कि जब शीजान को पूछा जा रहा है उसका पासवर्ड गूगल का और यूट्यूब अकाउंट्स का और चैनल्स का, तो बोलते वो भूल गया है, तो मेरे लिए भी ये शॉकिंग था कि इतना बड़ा 7 दिन की कस्टडी में बहुत कुछ चीज़ें भूलने भी लगा है और बहुत कुछ चीज़ें बार बार रिपीट भी करने लगा है। एक एक जो याचिका बाल वाली है, आपको आने लगता कि एक्टर को अपने करियर और इसकी ज़्यादा चिंता है बतौर की? नहीं, मेरे सबसे करियर से भी ज़्यादा उसके लिए उसकी को स्टार की मौत का गम नहीं है, ये समझ में आता है जब उसने ये अर्जी डाल दी है। मेरे हिसाब से जैसे तुमिशा की फैमिली में उसकी मदर है, उसके कज़िन मामा है, जो लोग इस पीछे लगे हुए हैं कि इसकी सच्चाई को बाहर निकाले, हम जिसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, आज जैसे आपको सबको पता है कि निशा की माँ को रिचुअल करने के लिए 5 तारीख को चंडीगढ़ पहुँचना, तो आज वो चंडीगढ़ भी निकल जाएगी, तो इसकी बात की सारी प्रोसीडिंग्स की जिम्मेदारी पवन शर्मा को दी गई है उनकी माँ द्वारा, पावर ऑफ अटर्नी भी साइन हुई है ताकि वो नहीं इधर मौजूद रहे तो उनके एक कज़िन मामा जो है उसकी सारी जानकारी और सारी एप्लीकेशंस पे साइन से लेकर सब कुछ करने का पावर उनके मामा को दिया गया। ये उसी के कारण दिया गया क्योंकि जब उनकी माँ को ऐसा लगे कि कोई तो उधर हो जो उसकी बेटी का ख्याल रखे, जो उसकी बेटी के केस की ध्यान दे, पर यहाँ पे जब एक आदमी ऐसी अर्जी मूव करता है कि उसके लिए बाल इंपॉर्टेंट है, जबकि कोर्ट में मैंने पूछा कि बाल तो एक आर्टिफिशियल नहीं, वो नेचुरल ग्रोइंग पावर है, अगर वो काट के बाहर भी आ जाएगा तो 10-15 दिन में बाल उग जाएंगे, पर उसको डर अपने बालों का था, तो ये सिद्ध होता है कि उसके लिए तनिषा पहले भी इम्पोर्टेंट नहीं थी और ना ही आ जाए। लेकिन अब एक फोन है नीचे उतर के बात करो, शादी की बात चल रही थी, शादी करना चाहते थे दोनों, इस वजह से एक दूसरे से इमोशनल अटैचमेंट था, लेकिन आज तुनिशा नहीं है तो तुनिशा के इमोशन की भी कदर नहीं है, बाल की ज़्यादा फिक्र, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? सर राइट में देखिए, देखिए पहले उसके बयान बदलना, फिर जीमेल की पासवर्ड नहीं बताना और बालों की बात, इसी से पता चला है उसकी नेगलिजेंस तुनिशा के लिए किस हद तक थी। मैं फ्रेम में मुझे नहीं लगता वो कभी उसके लिए सीरियस रहा होगा, वो ज़्यादा सीरियस थी, उसकी फैमिली में इन्वॉल्व थी, तो इसीलिए हमारा शक और ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है, कि वो लड़की सुसाइड नहीं कर सकती। क्या पुलिस से आप लोग इस पूरे मामले में बातचीत करें कि अगर यहाँ से पीसी नहीं मिली कस्टडी तो अपर कोर्ट में जाकर पुलिस कम से कम कस्टडी की मांग करे? मैं से कहना चाहता हूँ कि जैसा भी है, निशा को इंसाफ मिलना चाहिए,
जैसे मैं उनकी मदर, मैं उनका कोई सगा मामा नहीं हूँ। मैं तनिषा की मम्मी ने मुझे राखी बांधी है पिछले 10 सालों से। जब मैं उनके साथ खड़ा हूँ, कुछ ना होते हुए भी तनिषा मुझे मामा बोलती थी। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं उनके साथ खड़ा हूँ, आप लोग भी साथ खड़े रहें और जब तक तनिषा को इंसाफ ना मिल जाए उसका साथ दें। थैंक यू। भाई यहीं पे जगह बना के पीछे करके पीछे।